तो जैद ने वहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा नेट का इशू था और स्ट्रीम बंद सी हो गई थी, तो जिधर फाइट चल रही उधर चलते हम। तो यहाँ पे डेगन के स्क्वाड को टीम 9 ने वहाँ पे क्लच किया है, बी फियरलेस ने वहाँ पे काफी तगड़ा शॉट वगैरह लिया है। तो टैक वेनम यहाँ पे है टीम रॉयट के मेंबर। ओह भाई साहब, अलेक्जेंडर ने बीड़ी को नॉक किया और जैद टोपी को फिनिश कर दिया गया है। तो इन्फेक्टेड किंग वहाँ मौजूद हैं, फैल्कन आली भी मौजूद हैं, तो यहाँ पे ब्यूटीएस रेंजर क्या करेंगे। साइबॉग ने वहाँ पे काफी तगड़ा फायर फाइट वगैरह लिया है। तो यहाँ पे तो पूरी स्क्वाड साफ सी हो गई है, तो अब जिधर फाइट चलेंगे उधर ही चलेंगे अपन। तो शूटिंग रेंज साइड यहाँ पे थॉर वगैरह मौजूद हैं और चलते हैं पुचिंकी, टीम 11 मौजूद है वहाँ पे, एविल कैप्टन ओपी मौजूद हैं। तो पकौड़ी यहाँ मौजूद है, नूप पकौड़ी और भाई क्या ही कहने, यहाँ पे नूप के और एविल कैप्टन की टीम के पोचिंग की छोड़ते नहीं जल्दी। तो नूप शॉट ने टेकन रवि को फिनिश कर दिया यहाँ पे, और स्ट्रीम पता नहीं क्यों आज चल नहीं रही है, नेट का इशू है पता नहीं क्या है। तो डाक किधर, डाक डेविल, डाक वाइपर, डाक कैप्टन, यहाँ पूरी डाक की पूरी स्क्वाड मौजूद है। और टीम 19 में यहाँ मुनाक भाई नूप 2G के साथ हैं, नूप वायरस के साथ हैं, नूप विधायक के साथ हैं। तो गाइस कल द्वितीय दिन में कोई मैचेस नहीं है बिकॉज कल एग्जाम्स हैं। जस मानक टीम 25, तो फाइट यहां पे डेविल कौशल और टीम रॉयट अमित हैं। तो जस मानक ने यहां पे शॉट लिया है, तो डेविल कौशल यहाँ रिवाइव कर पाएंगे या नहीं। तो डेविल कौशल यहाँ पे रिवाइव कर रहे हैं, जस्ट मैनिक ने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया यहाँ पे। तो डेविल कौशल प्रॉब्लम में आ सकते हैं, कौशल ने शॉट लिया जस्ट मैनिक को, जस्ट मैनिक को फिनिश भी कर दिया। तो मोनाक भाई यहाँ पे फॉर्म में आ गए हैं। तो यहाँ पे टीम 19 ने वहाँ पे डार्क की टीम को फिनिश कर दिया और रेड जोन ऊपर से है। ओवरऑल आप किल्स देख सकते हैं, यहाँ पे मोनाक भाई को 3 किल्स मिली है और नोट 2 को 1 किल्स मिली है। तो अब किधर फाइट होने के चांसेस है, तो टीम 20 वर्सेस टीम 23 हो सकता है। तो टीम 23 यहाँ पे निकल चुकी है और टीम 20 के पास चलेंगे, बट 20 फिनिश ही हो गई। किधर गई टीम 20, टाइगर अलेक्जेंडर यहाँ फिनिश नहीं हुए हैं, सॉरी गाइस। तो स्ट्रीम आज बार बार बंद हो जा रही है, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। तो टाइगर अलेक्जेंडर को 2 किल्स मिली है, टाइगर अभी को 1 किल्स मिली है, टाइगर क्रिश वाइटी को भी 1 किल्स मिली, पर फिनिश हो गया। एम वार लॉर्ड ने वहाँ पे किसी को नॉक किया है, तो वारलॉर्ड के पास चलना चाहिए, नॉक भी हो गए भाई। तो भाई साहब A2H ने वहाँ पे स्प्रे वगैरह दिया था, तो A2H ने वहाँ पे नॉक किया। तो टीम 5 यहाँ पे पुश कर रही है, तो टीम 5 का वहाँ पे बंदा था, तो वो तो A2H फिनिश हो ही गया। तो बीस्ट ने वहाँ पे LS को नॉक किया था, तो अब थॉर हैं, बीस्ट हैं, BMX मेरा ड्यूड है। तो यहाँ पे नीड आया,
क्या तगड़ी फाइट चल रही है। प्रो नूब ने वहाँ पे थॉर को नॉक किया है, तो फ्लेयर वगैरह मंगाएंगे तो ये सीन सिचुएशन में पटेल सरदार वहाँ पे मौजूद हैं। और बीमस मेटा ड्यूड ने हसन को नॉक कर दिया है नेट से, तो भाई साहब क्या ही तगड़ा सरदार वहाँ पे आके फिनिश किए। और अब बीएमएक्स मेटा ड्यूड ने वहाँ पे शॉट वगैरह लिए हैं, भाई मेटा ड्यूड की क्या ही कहने, क्या तगड़ा स्प्रे वहाँ मेटा ड्यूड का दिख रहा है। तो अब ड्रॉप वगैरह लूटी जाएंगी और जोन में जाने के लिए ट्राई होंगे ये बंदे। तो अब चलते हैं जिधर फाइट और कहीं चल रही है, तो टीम 18 वाले शॉट वगैरह ले रहे हैं, तो ये किसी पे शॉट वगैरह ले रहे थे पीछे से भी। ओ टीम 18 वर्सेस टीम 23 मौजूद है यहाँ पे, तो ऑस्प्री वाले यहाँ पे कमबैक किए हैं, तो ऑस्प्री शेडो हैं, टाइगर साहिल हैं, ऑस्प्री विजार्ड है, और टोनी भाई ने ऑस्प्री पैंथम को वहाँ पे नॉक किया है। तो पैंथम नॉक पड़े हैं, पैंथम को उठाना चाहिए वरना प्रॉब्लम आ सकती है कि पीछे से एक टीम और आने वाली है, तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर M24 भाई चला रहे हैं, आई थिंक शेडो या साहिल कोई, तो शायद शेडो ही चला रहे हैं M24। तो टोनी बॉस यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्प्रे दिया, नूब थॉर ने टीओ उदित को नॉक किया है, तो नूब थॉर और फिनिश भी कर दिया। तो भाई साहब काफ़ी तगड़ा यहाँ पे माहौल बन गया है, देख ही रहे हैं आप, ओ महंगी वाली स्किन है भाई पे। तो काफ़ी माहौल बना है यहाँ पे, तो टीम 12 भी मौजूद हैं, तो फाइट यहाँ पे कुछ काफ़ी दूर है वो, तो फाइट के चांसेस नहीं है कोई, तो यहाँ पे इन पे चल लेते हैं। ये लोगों ने फाइनली डिसाइड किया थोड़ा सा क्लोज इन करेंगे। अरे क्या हो गया, ये क्या कर दिया, गाड़ी क्यों रोकी वहाँ पे, गाड़ी नहीं रोकनी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख ही रहे स्क्रीन पे शो हो रहा है सारे बंदे वहाँ पे, साइको हैं, शरद हैं, टोनी हैं और ओएजड हैं। तो क्या है, यह पैंथन को यहाँ फिनिश किया गया और शेडो वहाँ पे हैं, साहिल हैं, तो दोनों बच गए हैं और पीछे से भी एक टीम आने वाली है। तो भाई दिक्कत तो है यहाँ पे, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है टीम 23 को, कि पूरा ओपन में है ये, कवर में जाइए फाइट लीजिए। तो शॉट वगैरह वहाँ पे ले रहे हैं टीम 18 वाले, तो टोनी वहाँ पे काफ़ी तगड़े तगड़े शॉट ले रहे हैं एकेएम के, और शरद यहाँ मौजूद है, साइको ओजेड वहाँ हील कर रहे हैं, और भाई M4 का स्प्रे यहाँ पे साइको दे रहे हैं। तो रावण ने ईगल मुशर्रफ को नॉक किया है और फुकरिया जीत भी नॉक पड़े हैं, तो बट भावे ने शहदाद रोमियो को नॉक किया है। तो और भाई साहब पीछे से यहाँ बी ए डेमन ने क्या तगड़ा स्प्रे वगैरह दिया है, तो माहौल कुछ बन सकता है यहाँ पे। ओ भाई साहब, तो नूब और ने क्या वहाँ पे स्प्रे दिया, तो कैप्टन को तो ले ही गए वो। तो एफबीए डेमन आ रहे हैं अंदर, तो भाई बीस्ट को दिखाइए भाई, ज़रूर दिखाते हैं, वेट करिए एक सेकंड। तो डेमन यहाँ पे रिवाइव वगैरह खेल रहे हैं, बीस्ट आई थिंक ड्रॉप वगैरह लूट रहे थे, बीस्ट वगैरह बीस्ट लोग, नेपोलियन ने वहाँ पे भाई माहौल बनाया है। तो भाई साहब, भाई साहब नोब शॉट का स्प्रे काफ़ी तगड़ा वहाँ पे दिखा हमें। तो भाई साहब टीम 20 पे चलते हैं, फाइट उट कर रहे थे, तो टीम 20 वाले किधर हैं, तो नेपोलियन ने वहाँ पर बीस्ट को दिखाना था,
बीस्ट ने वहाँ पे काफ़ी तगड़ा स्प्रे वगैरह दिया है, तो बीस्ट के पास हम चलें। बीस्ट किधर है? तो बीस्ट के 3 किल्स हो गए भाई साहब। बीस्ट काफ़ी तगड़ा फाइट ले रहे हैं यहाँ पे। तो भाई साहब प्लेजोन से वहाँ बंदे नॉक हुए हैं। थॉर और बीस्ट ने काफ़ी रेड 302 इन द चैट। ओह माय गॉड, एना ने त्रिपाठी भाई 302 फिनिश हो गए मेरे भाई। तो यहाँ पे बीस्ट के 3 किल्स हैं, थॉर के 1 किल्स हैं और बीमस मेरा ड्यूज 6 किल्स हैं भाई। तो फॉर्म में है बीमस मेरा ड्यूड यहाँ पे, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे मेरा ड्यूड जिस फॉर्म में दिख रहे हैं आज। तो मेरा ड्यूड अगर फॉर्म में है तो दिक्कतें और सारी टीमों के लिए हो सकती हैं। तो टाइगर रवि ने यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 3 किल्स के साथ, टाइगर रवि है, नेपोलियन 3 किल्स के साथ और टाइगर अलेक्जेंडर 2 किल्स के साथ हैं। तो टाइगर रवि यहाँ मौजूद हैं और रोजाक ने एकदम कब्जा सा जमा लिया है टाइगर वालों ने। और विडिस रेंजर ने नोक शॉट को नॉक किया, फिनिश भी किया। भाई 1 सेकंड साला, नेट पता नहीं क्या है आज खराब चल रहा है। रियाज भाई फिनिश हो गए शुरू में ही। तो नेट नशे ही कर रहा है आज। तो यहाँ पे बॉट भावी से 1 किल के साथ हैं और यहाँ पे सामने इनके टीम वगैरह है। अविज भाई, अविज कौन है मुझे नहीं पता मेरे भाई, क्लियर नाम बताइए। आयरन मैन यहाँ पे है भाई, ईगल आशू को दिखाओ। हाँ भाई दिखाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं माहौल। तो ईगल आशू आई थिंक फिनिश हो गए थे कि बच्चे थे, होंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। तो हेलो भाई, हेलो बहन, क्या हाल है? तो ईगल की टीम नहीं बची है भाई, सॉरी। अभी था, अभी कहाँ है भाई, कौन अविज? ईगल आसिफ भाई, ईगल की टीम आई थिंक फिनिश हो गई मेरे भाई। तो दूसरे वाले मैच में आप देख लीजिएगा। ओ भाई साहब बीस्ट की टीम यहाँ आ गई है, मेरा ड्यूड ने वहाँ पे नॉक किया है। तो यस ना में देखो, यसना में क्या नाम है भाई, यसना में भाई अविज, हाँ अविज 27 है मौजूद है। तो यहाँ पे अविज 27 मौजूद हैं। तो यसना में माहौल बनाए हैं, तो ये बंदे यहीं पे हैं और टीम 5 भी क्लोज इन कर रही है। तो फाइट के पूरे चांस हैं भाई। और टीम जेको को दिखाओ सर्वर भाई, और टीम जेके भाई को अभी BMS में ड्यूड ने फिनिश कर दिया। तो ओ भाई साहब टीम 20 भी आ रखी है, जिसमें टाइगर अभी अभी को रिवाइव होना चाहिए। पटेल ने वहाँ पे टाइगर अभी को नॉक किया, तो नेपोलियन वहाँ पे रिवाइव वगैरह कर रहे हैं। और टीम 5 वर्सेस टीम 20 का माहौल है। तो टीम 5 के आप देख सकते हैं 11 किल्स हैं और टीम 20 के यहाँ पे 8 किल। तो नीड वगैरह आ रखे हैं। तो 80H को फिनिश कर दिया गया था। भाई थॉर को वहाँ पे अभी ने नॉक किया, अलेक्जेंडर ने बीस्ट को भी नॉक किया। तो पटेल वहाँ पे जाएंगे रिवाइव करने के लिए, थॉर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे स्मोक वगैरह बनाना चाहिए थॉर के लिए। माइटा ड्यूड ने वहाँ पे अलेक्जेंडर को नॉक किया। भाई साहब खुद के बम से बंदा फट गया। तो नेट वगैरह कर रहे थे, तो क्या करेंगे नेपोलियन? तो आई थिंक BMS मिलता ड्यूड वहाँ पे। ओ भाई साहब टाइगर रवि का क्या स्प्रे यहाँ पे दिख रहा है, पटेल को भी नॉक कर दिया। तो मेटा ड्यूड को वहाँ पे कुछ करना चाहिए। और बीस्ट जोन भी आने वाला है, तो 1.5 मिनट में जो भी सीन इनको करना है करना ही है। तो थॉर आई थिंक फिनिश हो जाएंगे, बच नहीं पाएंगे थॉर। तो थॉर तो फिनिश हो गए। तो पटेल, हाँ भैया, तो टाइगर अभी के यहाँ पे काफ़ी सारे किल्स हो गए हैं 7। तो लॉर्ड नाजिर और ट्रिगर साहिल, ऑस्प्री शेडो हैं और
फकरे 37 बॉट भावेश यहाँ पे मौजूद हैं, तो भाई साहब प्रॉब्लम हो सकती है नाजिर के लिए, तो नाजिर को वहाँ पे थोड़ा सा तो स्ट्रीम बार बारिंग में है, तो लॉर्ड नाजिर अभी भी सर्वाइविंग में है। बी ए फियरलेस ने किसी को नॉक किया था, तो भाई साहब नाजिर को तो जोन में, नाजिर तो जोन में आ गए हैं और अब कैसे बचेंगे। सील ने वहाँ पे जो साहिबाग को नॉक किया और एफ बी फियरलेस ने सील को नॉक किया और फकरे अजीत ने वहाँ पे इसी को फिनिश ही कर दिया। तो साहिबाग यहाँ पे नॉक पड़े हैं और फियरलेस भी मौजूद हैं, तो साहिबाग के किल्स हैं 3, फियरलेस के 3 किल्स हैं। तो फकरे 37 के पास चलते हैं, यहाँ पे बॉट भावेश वगैरह हैं, तो भाई साहब काफ़ी सारी टीमें यहाँ एशनाया में मौजूद है। तो टाइगर अवी और नेपोलियन वहाँ पे अकेले फाइट ले रहे हैं दो बंदे, तो टीम 20 पे हम चलेंगे। तो टीम 20 यहाँ मौजूद है और नोब की टीम भी यहीं पे मौजूद है, नोब थॉर और रावण 3-3 किल के साथ हैं। तो अब बम गोला छोड़ा जाएगा यहाँ पे, तो बम गोला जब छोड़ा जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे टीम 3 वहाँ पे ही ड्रॉप वगैरह लूट रही है, तो भाई साहब किधर हैं बंदे, किधर हैं? तो ये लोग तो यहाँ पे हैं, तो नेपोलियन यहीं पे हैं और टाइगर अभी भी यहीं पे हैं। टाइगर अभी क्या कुछ क्लच करने जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल बनाने जा रहे हैं टाइगर अभी? टाइगर अभी कुछ भी कर सकता है भाई बंदा, ये बहुत ओपी खेल रहा है। दो बंदे यहाँ पे आ गए, टाइगर अभी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रिगर साहिद ने नेपोलियन को फिनिश किया और रावण ने यहाँ पे अभी को फिनिश कर दिया, तो दो टीमें यहाँ मौजूद हैं, तो देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। नूब थॉर अभी गाड़ी लेकर टहल रहे हैं, क्या ही कहने नूब थॉर के। स्क्वाड ले गया रावण, तो नेट नहीं चल पा रहा। तो गाइज आई थिंक सेकंड मैच हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो अपलोड होगी ना, वीडियो ही नहीं अपलोड होगा, तो नेट भी नहीं चल पा रहा, बहुत ज़्यादा पिना जा रहा है, पता नहीं क्यों, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कितनी टीमें बची हैं, तो 3 टीमें यहाँ बची हैं। तो गाइस जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को। नेट का नेट आज ही अलग ही नशे कर रहा है, ना वॉल्यूम आ रहा है ना कुछ आ रहा है। फकरे अजीत ने वहाँ पे शॉट किया, तो आयरन मैन वहाँ पे काफ़ी तगड़ा खेल रहे हैं, आयरन मैन 2 किल के साथ हैं और इंफेक्टेड। ओ भाई पीछे से कोई आ गया, तो फकरे ने वहाँ पे काफ़ी कवर फायर दिया, अच्छी बात है वहाँ पे कवर फायर देना। नोक और अभी भी जोन के बाहर ही हैं, तो नोक को अब आना तो पड़ेगा इस जोन में। तो लोग गलती ये कर रहे हैं, स्मोक नहीं बनाना चाहिए यहाँ पे, ये लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, फाइट करने दो, आप साइड से निकल जाओ, अगर आप स्मोक बना दोगे तो बता दोगे कि यहाँ ही बंदा है, पीछे से भी कोई आ रहा है। तो नोब थॉर ने यहाँ पे अवी को नॉक किया है, तो बॉट भावेश वहाँ पे क्या करेंगे। ओहो भाई साहब फिनिश भी कर दिया, तो अर्जित को आना है जोन में, भावेश को आना है जोन में, और आयरन मैन और इन्फेक्टेड आयरन इन्फेक्टेड लॉयन यहाँ पे मौजूद हैं। तो पम गोला यहाँ पे शुरू है फेंकना, तो नूब थॉर आ रहा है यहाँ, मॉली करेंगे आते ही।
तो आयरन मैन यहाँ पे नॉक पड़े हैं और फिनिश भी हो सकते हैं यहाँ पे। बॉट भावेश ने यहाँ फिनिश किया, तो 1v2 का सिचुएशन है। तो आयरन मैन ने वहाँ पे किसी को नॉक किया है भाई, तो हील करेगा भाई और बॉट भावेश करेंगे क्या। तो यहाँ पे आते ही उनको नीट करना चाहिए सबसे पहले। गुड इवनिंग भाई, तो मैच एंड। तो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा फुकरे अरिजीत बॉट भावेश और अभी और फुकरे सतीश की टीम ने जीता, यहाँ 4-7 निपट गए। हाँ भाई, तो कंग्रेचुलेशन यहाँ पे बॉट भावेश की टीम को, और इन्फेक्टेड और सैयद रोमियो की टीम वहाँ पे सेकंड आई और नूब की टीम यहाँ पे थर्ड है। तो काफ़ी अच्छी बात है गाइस, तो थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। और सेकंड मैच देखते हैं, अगर होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को सेंड कर देंगे हम रूम आईडी पासवर्ड और किल्स वगैरह। राइट पे आपके शो हो रही होगी बिकॉज लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, आज नेट चल नहीं रहा गाइस। तो